हाय, मेरा नाम पाई है। डू यू नो पाई डे 14th मार्च को 159 पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये डेट और टाइम मिलके पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि 3.14159। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के जानिब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस पाई की क्लास में आपका खुशामदीद। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जानदार बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं? आज हम क्लास 6 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से ये टॉपिक ओपन कर लें। नंबर 1, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, सेल से टिश्यूज बनते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदारों के दरमियान फर्क कर सकें, टिश्यूज और ऑर्गन्स के दरमियान फर्क कर सकें। आइए बुक से पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जानदार बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बैक्टीरिया, क्लेमेडोमोनास, अमेबा और पैरामेशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द नजर आने वाले जानवर और पौधे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सरगर्मी 1.4। अपने साइंस टीचर की निगरानी में एक ग्लास स्लाइड पर जौहर के पानी का एक कतरा रखें। इसका माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करें। आपको बहुत से यूनिसेलुलर जानवर और पौधे हरकत करते हुए नजर आएंगे। अमीबा और क्लेमेडोमोनास की शिकाल बनाकर लेबल करें।
आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सेल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज, यस बिल्कुल सही, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। आइए वीडियो से समझते हैं। हेलो किड्स, मैं हूँ सेलो। मैं आपको यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के दरमियान फर्क बताऊंगा। किड्स, जब मैं अकेला होता हूँ तो यूनिसेल्यूलर होता हूँ, और जब मेरे बहुत से फ्रेंड्स मेरे साथ होते हैं तो मैं मल्टीसेल्यूलर होता हूँ। किड्स, आइए मजीद जानते हैं कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि का मतलब है एक। कुछ जिंदा जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे जिंदा जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अमीबा, क्लेमेडोमोनास और पैरामेशियम तमाम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब है बहुत सारे, लिहाजा ऐसे जिंदा जानदार जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे, जानवर और इंसान तमाम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आइए यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फर्क करते हैं, एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन से समझते हैं। उम्मीद है कि आप अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फर्क करने के काबिल हो गए होंगे। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जी हाँ, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। मल्टीसेल्यूलर में बहुत से सेल्स मिलके एक ही काम करते हैं। बहुत से सेल्स मिलके जब एक ही काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं?